नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। गुजरात में चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत मतदाताओं को रिझाने में झोंक दी है, लेकिन जातीय समीकरणों के तालमेल को लेकर दोनों के लिए इस बार का चुनाव बड़ी चुनौती बन चुका है। गुजरात में करीब 25 करोड़ पाटीदार हैं। ऐसे में पाटीदार हमेशा से बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन पटेल आंदोलन के बाद नेता बने हार्दिक पटेल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस को हार्दिक का साथ मिलने से 22 साल बाद गुजरात में सत्ता वापसी की एक आस जगी है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। गुजरात में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और पाटीदार आंदोलन ने इसे और ज्यादा दिलचस्प बना रखा है। पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को शर्तों के साथ समर्थन देने की घोषणा कर दी है और अब बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में चुनावी सरगर्मी चरम पर, पाटीदार फैक्टर से प्रभावित बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती। हार्दिक पटेल ने दिया कांग्रेस को समर्थन। बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 पाटीदारों को टिकट। कांग्रेस अब भी जातीय समीकरण में उलझी। पाटीदार समाज गुजरात में बीजेपी का प्रमुख वोट बैंक रहा है, लेकिन आरक्षण की मांग से उठे आंदोलन के बाद नेता बने हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर बीजेपी की खिलाफत की और कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब दोनों ही पार्टियों ने पाटीदार समेत अन्य जातियों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वहीं अब दूसरी ओर दोनों ही पार्टियां एजेंडे को भूलकर जातीय समीकरण में फंसी नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 पाटीदारों को उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश चल रही है। दरअसल गुजरात में पाटीदार समाज किसकी तरफ है, कितना प्रतिशत हार्दिक पटेल फैक्टर बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो अब तक उहापोह की स्थिति थी कि आखिर हार्दिक पटेल किसके साथ जाएंगे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। भले ही शर्तें भी रखी गई है कि किस आधार पर दोनों एकजुट होकर बीजेपी की खिलाफत करेंगे, लेकिन गुजरात में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। अब जातीय समीकरण बिठाने की बीजेपी की भी मजबूरी होगी, भले ही विकास के नाम पर चुनाव लड़ने के कितने भी दावे क्यों न किए जाएं। एक बड़ी आबादी, कुछ सीटों पर जीत सुनिश्चित करने वाली आबादी, तो कुछ सीटों पर जीत का गणित बिगाड़ने की क्षमता रखने वाली पाटीदार आबादी अब सभी दलों के लिए तालमेल बिठाने की एक बड़ी वजह हो सकती है। और कांग्रेस ऐसे में पाटीदार आंदोलन के नेता बनकर उभरे हार्दिक पटेल को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। हालांकि बीजेपी भी हार्दिक खेमे से कुछ नेताओं को अपने पाले में ला चुकी है, लेकिन हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ हैं और इसका बड़ा प्रभाव चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। उसमें भी अभी 19 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा होनी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। मगर
हमारे संवाददाता चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अब जब हार्दिक पटेल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के साथ होंगे चुनाव में, तो किस तरह से समीकरण बदलता दिख रहा है? दीपक, इस समय बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है। 15 सीटों पर पाटीदारों टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि हम पाटीदार को साथ लेकर चल रहे हैं। बाद उसके बाद पास जो कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति है, उसके कई नेता, पाटीदार आंदोलन के कई बड़े चेहरे, वो टूट टूट कर कहीं ना कहीं बीजेपी में सम्मिलित होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। बीच में कल पाटीदार आंदोलन के नेताओं को बाहर बैठा दिया गया था, उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था मीडिया, जिसके बाद कल हार्दिक पटेल ने यह भी कहा शाम को कि वही ये गलतफहमी हुई थी। अब लगातार लिस्ट का देरी होना कांग्रेस की तरफ से, बयानों के बवंडर लगातार गुजरात में खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर बैकफुट पे आ रही है और बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेली है। पाटीदार आंदोलन के कई नेता धीरे धीरे बीजेपी में सम्मिलित होते जा रहे हैं, ये बड़ा गणित कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लस में लेके जा रहा है। वहीं लिस्ट में देरी का, लगातार देरी का होना और उसके बाद लिस्ट जारी होने के बाद पाटीदारों को कितना उसमें जगह मिलती है, इस बात पर भी नजर सबकी रहेगी, खासकर पाटीदारों की रहेगी। अगर जगह कम मिलती है तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के प्लस में रहेगा कि 15 पाटीदारों को उन्होंने पहले ही जगह दे दी है। अभी 150 सीटों पर तकरीबन 130 सीटों पर और टिकट आने हैं, तो ऐसे में 21 में कितने पाटीदारों को साझेदारी बीजेपी देती है और कांग्रेस की साझेदारी, दोनों की साझेदारी को तोला जाएगा, पाटीदार दोनों साझेदारियों को तोलिए, उसके बाद इवेंट क्लियर होगा। लेकिन अभी तक बीजेपी प्लस में चल रही है, लगातार पाटीदार आंदोलन के नेता बीजेपी में सम्मिलित होते जा रहे हैं और कांग्रेस की लिस्ट में देरी का होना बड़ी वजह है कांग्रेस का बैकफुट पर होना। जी चंद्रशेखर, और पहले चरण के चुनाव की ही बात करें तो उसमें भी 19 सीट बीजेपी ने बचा कर रखा है। ये बीजेपी का सियासी पैंतरा है। बीजेपी, हम लगातार बीजेपी के कार्यालय, बीजेपी के बड़े नेताओं से, गुजरात में जो बीजेपी के कद्दावर भाजपा के नेता हैं उनसे हम लगातार संपर्क में मिल रहे हैं। मुझे कहीं भी उनके चेहरे पर इस बात को लेकर निराशा नजर नहीं आती कि पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ हैं, उनसे अलग है। दरअसल यहाँ पर दो पाटीदारों के, एक लेहुआ और एक कड़वा, जी दीपक, एक लेहुआ और एक कड़वा, दो गोत्रे पाटीदारों के, दोनों गोत्रों की बड़ी आबादी बीजेपी की समर्थक रही है। अब ऐसे में पाटीदार बीजेपी के साथ रहे हैं ये सर्वविदित है, लेकिन कांग्रेस में जो पाटीदार जाए थे, हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन बड़ा चेहरा बनकर गुजरात में उभरे, लेकिन हार्दिक पटेल जिस तरह कांग्रेस के दराजे पर बैठकर अभी गुहार लगा रहे हैं और टिकट का अभी तक निर्धारण नहीं हो पा रहा है, पाटीदारों के कहीं ना कहीं मान सम्मान की ये बड़ी वजह आगे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। दीपक जी, चंद्रशेखर, केवल कांग्रेस के लिए ये चुनौती होगी या हार्दिक के लिए भी आने वाले वक्त में मुश्किलें हो सकती है? हार्दिक का दारू पाटीदारों में कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है दीपक, ये महत्वपूर्ण है। हार्दिक अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता वंदना पटेल जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हिरेन लेहरू जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो वंदना जी, भले ही पाटीदार आंदोलन का चेहरा आपके साथ आ गया, लेकिन उसकी शक्ति बिखरती नजर आ रही है। बिल्कुल, शक्ति बिखरी नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से सियासत अपनी हलनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल एक अपनी राय बनाई है, वो बिकने वाले लोगों को बीजेपी खरीद रही है। अभी हमारे जो साथीदार बिकने वाले थे वो बिक चुके हैं, लेकिन पाटीदार लोग जो है, जिन लोगों को राजनीति से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग बीजेपी से बिल्कुल खफा है और बीजेपी कोई भी एडी चोटी का जोर लगा ले। पाटीदार, वंदना जी, कांग्रेस का थैला खाली है क्या, वो किसी को नहीं खरीद पाई? कांग्रेस ने कभी किसी को खरीदा नहीं है। बीजेपी ने बड़ी बड़ी अमाउंट करके, नोटबंदी करके, सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करके लोगों को खरीदने का काम ही किया है। बीजेपी को सिर्फ सत्ता के अलावा कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है, जनता की जो समस्या है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को, महिलाओं को बेकसूर होने के बावजूद भी जेल में भेज दिया है, बेकसूर महिलाओं को पीटा है, जेंट्स लोगों को पीटा है, हमारे बच्चों को पीटा है, हमारे 14 नौजवान जो आंदोलनकारी थे वो लोगों को बेकसूर होने के बावजूद वो लोगों को लाठीचार्ज और गोलीबारी में हमारे 14 लड़के शहीद हो गए। तो पाटीदार समाज बिल्कुल खफा है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ
जनता की समस्या नहीं देख रही है, प्रॉब्लम जो है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को और नरेंद्र भाई मोदी को सत्ता की कुर्सी दिखाई दे रही है। इसलिए गुजरात की जनता की ये लड़ाई है, सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये दमनकारी सरकार के हम लोग जो है परेशान हुए हैं, हमारी परेशानियों के सामने हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग समर्थन कांग्रेस को कर रहे हैं। जी आते हैं आपके पास वंदना जी, हिरेन लेहरू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हिरेन जी क्या लगता है, आपसे भी वही सवाल, क्या केवल पटेल आंदोलन का चेहरा कांग्रेस के साथ हो गया है या फिर उसकी शक्ति भी कांग्रेस को मिली है? जी दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 22 साल पहले ही पाटीदार समाज ने उनको सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है और कांग्रेस का साथ 22 साल पहले ही छोड़ दिया था पाटीदारों ने जी। तो आज जब खोए हुए विश्वास को वापस पाने के लिए जो कांग्रेस के नेताओं ने जो प्रयास किए और पाटीदार आंदोलन चला और जातिवादी राजनीति को लेकर जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल इन लोगों को मना कर राजनीति में अभी विश्वास फिर से पैदा करने की उन लोगों ने जो कोशिश की है उनमें कुछ अल्पेश ठाकुर को और ठाकुर सेना को विश्वास उन लोगों ने पा लिया है, पर पाटीदार समाज में अभी कुछ विश्वास का वातावरण बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पास के कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके पाटीदार के कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल करने के बाद कुछ विश्वास उन लोगों ने भी संपादन किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इसीलिए अभी जो उन लोगों की प्रत्याशी की लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर पाई है और भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट कभी का 2 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी है जी। तो जनता में यही दिख रहा है अभी कि पाटीदार आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेस थोड़ी बैकफुट पर है अभी जी। हिरेन जी ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे, क्या हार्दिक पटेल पर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने पाटीदार आंदोलन को बिखराव की ओर धकेल दिया? क्योंकि कांग्रेस अब कितना सीट दे सकती है, जबकि पहली लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है उसमें 15 पाटीदार पहले से हैं, 19 सीट अभी बाकी है, उसमें 2-4 भी अगर दे देते हैं तो क्या लगता है कि कांग्रेस 20 सीट देकर सीटों की संख्या पर भी बराबरी कर पाएगी बीजेपी के हिसाब से? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि हार्दिक पटेल जो पाटीदार आरक्षण का मुद्दा चलाकर जो बातें चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ, दोनों के साथ उनकी खुद की ही जीत उनको नुकसान करेगी। हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी वाले भी उन लोगों के साथ बात कर रहे थे, पर उनकी जीत आखिर तक उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी और बात के खुद के ही उनके साथीदार उनका साथ छोड़ चले हैं। अब वो अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो जैसे आपने देखा कि 2 दिन पहले पास के कुछ आगेवान दिल्ली गए थे और दिल्ली में भी उन लोगों को 1 दिन तक वेट गुजरात भवन में वेट करवाया और फोन तक नहीं उठाया और बाद में कांग्रेस द्वारा ऐसा जाहिर किया गया कि ये कम्युनिकेशन गैप के हिसाब से हुआ है। तो समाज में ये एक मैसेज गया है कि आरक्षण का मुद्दा इन लोगों का नहीं है, सिर्फ टिकटों का मुद्दा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ बात हो या कांग्रेस के साथ बात हो, ये आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं, ये टिकट का मुद्दा है। अब कांग्रेस पार्टी कितना टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी पाटीदारों को कितना टिकट देती है, वो उन लोगों का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल जी जी। वंदना जी क्या लगता है कि अगर उम्मीदवारों के लिस्ट जारी होती है तो बीजेपी जो पहली लिस्ट में अब तक 15 पाटीदारों को शामिल कर चुकी है उसकी बराबरी कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि वो भी संख्या मायने रखेगी पाटीदारों के लिए? आकर जो पीछा है कांग्रेस, हमको शायद आरक्षण का मुद्दा जो है बहुत गंभीर मसला है, हमको आरक्षण तो बात की बात है, लेकिन जो आरक्षण लेने के लिए गए थे वो सारे आंदोलनकारियों पर जो दमन गुजारा है, उनकी जान ले ली है, हमारे कई महिलाओं को घर में आकर पीटा है, हमारी माँ बहनों को गालियां बोली है, उसके लिए हम लोग बीजेपी से खफा है। जो आपके साथ राजकीय विश्लेषक जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है, पाटीदार समाज के कोई भी लीडर ने टिकट की अपेक्षा रखती ही नहीं है। हमारे तो बस एक ही बात है कि जो ये सरकार है बीजेपी की सरकार, वो कौन सी सरकार है कि जनता की आवाज सुनने के बगैर उसका आवाज दबोई देने के लिए उन पर लाठीचार करती है, उन पर गोलीबारी करती है, और हमारे जो आंदोलनकारी जो थे बिकने वाले थे उनको खरीद लिया है। ये कौन सी सरकार है? ये गौडसे की विचारधारा वाली सरकार है, हम लोग गांधी की विचारधारा वाली सरकार गुजरात में प्रस्थापित करना चाहते हैं। फिर भी आप संघर्ष के लिए तैयार हैं?
हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम टिकट के लिए गुजरात कांग्रेस को सपोर्ट नहीं दे रहे। हम लोगों का स्वाभिमान का जो सवाल है, हम महिलाओं पर जो लाठीचार्ज किया है, मैं भी 28 दिन जेल में रही हुई हूँ, मेरे पर 395 और 307 कलम लगाई हुई है। IPCL की 22 कलम है मेरे पर लगाई दी थी, बेकसूर होते हुए भी मेरे को 28 दिन जेल में डाल दिया था ये सरकार ने। मेरे बहुत सारी महिलाओं को भी जेल में डाल दिया था, मेरे बहुत सारे साथियों पर करीब। बिल्कुल, ये मुद्दा भी अपनी जगह जायज है, लेकिन फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर जातीय समीकरणों के फेर में कैसे फंसता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी गुजरात की सचिव किरणबेन जयंतीलाल पटेल जी हैं। किरणबेन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू, नमस्ते जी। किरणबेन जी, कांग्रेस खुश हो रही है कि पटेल पाटीदार आंदोलन का चेहरा हार्दिक पटेल अब उनके साथ हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग जो इस आंदोलन में पीछे से रीढ़ की हड्डी की तरह जुड़े हुए थे हार्दिक पटेल के साथ, वो शायद बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या केवल चेहरा कांग्रेस के पास है या शक्ति भी कांग्रेस के पास है और बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा? मेरा मानना ये है कि मैं 30 साल से मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ जी, और 22 साल तक अपना गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो 22 साल तक लाग लगा जो अपनी बीजेपी को सरकार में रहने का जो मौका दिया गया है गुजराती लोगों ने जी, तो उसमें भी पाटीदार लोगों का भी बड़ा एक हाथ है। तो वैसे कांग्रेस तो बहुत साल तक किया, तो 22 साल में कभी भी कांग्रेस हमको क्यों कैप्चर नहीं कर पाई, और आज भी वो हवा में बोलती है, मगर पास का कर्नल जो सब गया उनको वापस आना पड़ा, और उस आप भी टीवी में देखे होंगे जो भी निराश होके आ गए। तो ये तो कांग्रेस का ये मोहरा है, कांग्रेस का ये चेहरा है, और बीजेपी पाटीदार जो फैक्टर है बीजेपी के साथ पहले से है, आज भी है और बाद में भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बीजेपी उन्हें बेहतर सौदे का विकल्प दे रही है, पहले ही 70 नामों में 15 नाम पाटीदार हैं और अभी 19 सीटें खाली है, उसमें भी 4-5 हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है ये दिखेगा। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो उतनी सीटें नहीं दे सकती, या फिर दे भी दे टकराव दिलचस्प हो जाएगा बीजेपी के साथ। नहीं, मैं इस बात को लेके सौदा नहीं मानती हूँ, मगर बीजेपी का हमेशा ऐसा रहा है कि पाटीदार को प्राधान्य देने का, उनको इम्पोर्टेंस देने का, वो इम्पोर्टेंस देने के लिए वो दे रही है सौदा, किसी के साथ कुछ नहीं किया है। कांग्रेस जो करेगी वो उनकी पार्टी की बात है, वो हम नहीं बता सकते हैं कि सौदा करती है कि क्या करती है। बिल्कुल, तो सौदेबाजी क्या हुई है ये तो आरोप लगते ही रहते हैं, चाहे एक व्यक्ति हो या पूरा आंदोलन का नेता। हिरेन जी, ये तो राजनीति है, राजनीति में तो आरोप प्रति आरोप सब लगता रहता है, मगर रियलिटी क्या है वो जो अंदर रहता है उनको ही पता चलता है। बिल्कुल है, लेकिन धीरे धीरे ये हकीकत सामने आ ही जाती है, सच्चाई छुपानी मुश्किल हो जाती है। हिरेन लेहरू जी, जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है, स्पष्ट है कि विकास का मुद्दा गौण हो गया है, जातीय समीकरण बिठाने की सभी दलों ने अपनी अपनी भरपूर कोशिश की है, जनता क्या देखेगी कि किस आधार पर हम अपने प्रत्याशी का चुनाव करें? जी, जनता तो अपनी बेसिकल रिक्वायरमेंट जो है वो देखेगी। दीपक जी देखो, अंत में तो जनता ने जो तय किया हुआ है किसको टिकट देना है उसी को टिकट देंगे। राजकीय पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा चाहे उठाए, विकास का मुद्दा चाहे उठाए, या जातिवाद का मुद्दा उठाए, पर इतने सालों के बाद भी जिनकी सरकार रही है उन लोगों ने क्या पाया है, क्या खोया है और क्या नहीं पाया है, वो जनता इतने सालों से देखती आई है, तो वो देखती है। व्यक्तिगत तौर पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जो अभी टिकटों का बंटवारा चल रहा है, जाहिर होता है नहीं होता है, उस पर उस मामले में कुछ कहना चाहूंगा। आरक्षण के मुद्दे पर भी कुछ कहना चाहूंगा जरूर, कि पाटीदार का आरक्षण का मुद्दा ओबीसी आरक्षण में उनको शामिल करना ये महत्व का मुद्दा है, और ओबीसी के जो मुख्य अभी जो नेता है, बड़े नेता अल्पेश ठाकुर, वो कांग्रेस में जुड़ गए हैं। तो आप जो बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 पाटीदार को टिकट दिया है और कांग्रेस इनकी बराबरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उनके लिए ये कंफ्यूजन इसीलिए होगा कि अगर ज्यादा पाटीदारों को टिकट दिया गया तो आरक्षण की मांग बुलंद होगी और कहीं ना कहीं ओबीसी नाराज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन के चलते अभी तक कांग्रेस के आला कमान भी अभी कंफ्यूजन में है कि कितने पाटीदारों को टिकट दिया जाए, कितने को टिकट नहीं दिया जाए, किनको अहमियत ज्यादा दी जाए, अल्पेश ठाकुर को अहमियत दी जाए या हार्दिक पटेल या पास को अहमियत दी जाए, कोई तय नहीं कर पा रहे हैं अभी। दीपक जी,
कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है हिरेन जी, और क्या जनता भी इसी तरह से कंफ्यूज रहेगी, और खासकर वो आबादी जो पाटीदार आंदोलन की समर्थक रही है वो अपने वोटिंग के दौरान किन बातों का ख्याल रखेगी? जो अब तो वो तो वोट वोटिंग होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। दीपक जी बिल्कुल, वंदना जी क्या लगता है, क्या जनता को भी लुभा पाएंगे या केवल पाटीदारों के समर्थन से ही काम चल जाएगा कांग्रेस का? देखो, आप सबसे पहला जो बात कर रहे हो जातिवाद की, तो जातिवाद सबसे पहला गुजरात में किसी ने जो करवाया है तो 2002 में 2001 में जब केशु बापा जो हमारे पाटीदार नेता थे गुजरात के, उनकी कुर्सी हटा के नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के सीएम बन गए थे। उसके बाद वो विधानसभा का यहाँ से मणिनगर से चुनाव लड़े थे जी, और उसके बाद हारे एक बार भी नहीं बीजेपी वाली की भाई हम गुजरात में जो 2002 में गोधरा कांड करवा के फिर नरेंद्र भाई मोदी ने जातिवाद का जो गुजरात में जहर फैलाया है सबसे ज्यादा जातिवाद किया है तो वो बीजेपी ने किया है। और इस तरह भी बीजेपी ने जिस तरफ से आरक्षण आंदोलन को लेके हम लोगों ने जो डिमांड बुलंद बनाई थी उसके सामने भी ओबीसी के नेता अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल आमने सामने आ जाए इसलिए साजिश रची थी, लेकिन हम लोगों ने वो साजिश को ऐसी तरह से टैकल करी कि आज बीजेपी के अगेंस्ट में अल्पेश ठाकुर खुद आके खड़े रह गए हैं। तो बीजेपी जो करती आई है गुजरात में राजनीति करती आई है, गलत राजनीति करती आई है, जनता की आवाज नहीं सुन रही है, जनता के जो प्रॉब्लम्स है दीपक जी वो नहीं सुनते हैं, तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों की बेशक गंदी जो हालत आती है। और गुजरात में आज बीजेपी की वंदना जी आप अपनी बातें कह रही हैं और तब आप देख लेना अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी का यहाँ इतना भयंकर बर्बादी होने वाली है। कोई भी जनता पाटीदार हो, ओबीसी हो या दलित हो, पूरी गुजरात की जो जनता है वो लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल वंदना जी, आपने जो भी बातें कही उसके आधार पर भी अगर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि जनता बीजेपी नेताओं से नफरत करती है, क्योंकि लगातार 22 सालों से वही जीतते आए हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण गंभीर आरोप आपने लगाया उस पर जरूर किरण बेन जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे। किरण बेन जी, मैं क्या जनता की आवाज बनके बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, मैं जनता में से बोल रही हूँ। चलिए परिणाम आएंगे तब आपकी बातें पोस्ट हो जाएंगी, लेकिन कर्मचारी की आंगनवाड़ी की जो बहने हैं वो भी फिक्स वेतन पर, उनका जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनका भी ये लोग शोषण करके जा रहे हैं। चलिए, यानी आपका कहना है कि पाप का घड़ा भर गया है, फूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल फूटेगा। चलिए किरण बेन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किरण बेन जी, सब कुछ अपनी जगह है लेकिन ईवीएम टेम्परिंग का आरोप अब बीजेपी के मथे मढ़ा जा रहा है और ये हर चुनाव से पहले हर चुनाव के बाद आरोप लग रहे हैं, कैसे निपटेगी पार्टी इस आरोप से? ईवीएम मशीन तो चुटनी जो कमीशन रहती है वही बनाती है, बीजेपी वाला तो कोई किधर बनाने को नहीं जाता है। और जिधर जो भी कैंडिडेट रहता है, मैं भी दो बार जीते, मेरा एक सवाल है, भी मालूम है मैडम जी से, मेरा एक सवाल है, कैंडिडेट के पास चेक करवाया जी, आते हैं वंदना जी। और मैडम जी से मेरा एक सवाल है कि अगर जो बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करती है तो हर वोट जो गलत पड़ते हैं वो बीजेपी के ही क्यों होते हैं? अभी बौखला गई है, जब भी वो सत्ता में आती नहीं है और पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, इसके लिए उनको ये बोलना जरूरी है, कहना जरूरी है। मगर आप 18 को रिजल्ट देख लेना, ईवीएम मशीन का उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहती है, पब्लिक का विकास लगती जो सोच है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। बीजेपी खाली एक ही बात सोचती है कि सरदार पटेल का गुजरात है, और सरदार पटेल का गुजरात में जब भी कांग्रेस ने सरदार पटेल को कितना साल के बाद भी भारत रत्न अवार्ड देने का था वो कांग्रेस तो नहीं दे पाई, अभी पाटीदार को क्या न्याय देगी? और दूसरी बात आई कि ये 22 साल तक सत्ता में रहने की एंटी इनकम्बेंसी लगेगी, तो एंटी इनकम्बेंसी लगनी रहती है तो लास्ट इलेक्शन में लग जाती है। मगर मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं होएगा, बीजेपी इस बार भी आएगी और बीजेपी विन में रहेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी और पब्लिक की सेवा बीजेपी करेगी। चलिए परिणाम स्पष्ट करेंगे। देखो, बीजेपी पब्लिक की सेवा नहीं करती है, बीजेपी पब्लिक पर दमन गुजारती जा रही है। गुजरात में 22 सालों से जनता अब तंग आ गई है, वो लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिए और जो पूरा नंगा नाच किया पूरी देश की जनता ने देखा है। चलिए हम ये भी देखेंगे कि परिणाम क्या कह रहे हैं और तब जाकर स्थिति स्पष्ट होगी। बहरहाल वंदना जी, वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना पटेल जी, किरण बेन, जयंतीलाल पटेल जी और हिरेन लहरू जी,
अपना वक्त देने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर त्रिशूल भी जुड़े हुए थे, धन्यवाद चंद्रशेखर आपका भी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।